बर्मन खान साहब ये सब आई हैव रिकम्पोज इट या उन्होंने थोड़ा सा अपने आरडी ने खुद कहा यार तू थोड़ा सा कर अरे यार कर दे और फिर बाद में मुझे कहा परवीन जी ये कैनवास है आपके सामने ये फ्रेम है बाकी आप भर लीजिए मैं ही इज अ पर्सन ही नेवर यूज्ड टू यू नो डिमांड और ही नेवर यूज्ड टू फ्रेम यू ही सेड ये आपका है आप कीजिए ठुमरी स्टाइल में थोड़ा सा मैंने मिश्र भैरवी के ऊपर बनाया मैंने कहा क्या बात है राहुल भाई आप ही कर सकते हो मैंने इसीलिए ये गाना गाने के लिए हाँ कहा क्योंकि राग के ऊपर था और ग्रेट मजहूर सुल्तानपुरी उनका लिरिक्स क्या गाना लिखा है उन्होंने आजकल का गाना सुनिए और वो गाना आसमान जमीन का फर्क है आजकल तो माँ बहनों को गाली देता है और वो गाना ऐसा है कि माँ बहनों को जमीन आसमान तक रखते हैं इज्जत दिखाते हैं तो ये गाने का मशहूर होने का ये एक मेन वजह है नंबर वन इज बेस्ड इन रागा मिश्र भैरवी एंड इट लिरिक्स सबको मालूम लिरिक्स एंड द लिरिक्स उस्ताद लिरिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दैट इज व्हाई इट इज और मुझे भी मालूम नहीं क्यों कैसा वो कहावत है ना कि राग रसोई पाक कभी कभी बन जावे तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हो गया था एक टेक में मैंने कंप्लीट किया था वो गाना हम लोगों ने रिहर्सल बहुत कर लिया था उस जमाने में वो डबिंग वगैरह नहीं होता था एक अगर कोई गलती किया तो फिर दोबारा करो और आरडी भाई ने 100 वायलिन यूज किया था सुनने से ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वायलिन बज रहा है सरोद में सिर्फ 3 या 2 था एक तो जरीन बहन थी और एक कोई था सितार में रेश भाई साहब था हरिप्रसाद चौरसा जी फ्लूट में थे और संतूर में हमारे शिव कुमार शर्मा जी थे राम नारायण जी सारंगी में थे इट वॉज लाइक ए फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इट वॉज सो वंडरफुल और मैं सबसे उम्र में छोटी और बीच में मुझे डर के मारे माय पाल्पिटेशन मस्ट हैव गॉन हाई मोर देन 100+ कुछ मालूम नहीं है मुझे लेकिन आर डी वॉज द पर्सन ही यूज्ड टू कॉल मी बहन आप आराम से गाइए कौन क्या कुछ मत दिखे उस वक्त वो लोग एक छोटे कमरा में बिठा देते थे आपको हेडफोन दे दिया जाता है आप सुनिए और हेडफोन लेके गाना भी क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन मुझे कहने लगे कि आई विल नेवर डू इट मुझे कहा कि मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हारमोनियम का खाली पंचम सरज आप पकड़ के जब तक सुर नहीं मिलता हम लोग को आदत ही नहीं है तो मैंने रिहर्सल 2-4 करने के बाद शिव जी ने मुझे बहुत तारीफ किया परवीन जी क्या बात आप गाइए आराम से गाइए भगवान की भी ऐसी कृपा थी मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आलाप लेके भैरवी में और फिर भी मैंने गाना गाया एक टेक में फटाक से और सब म्यूजिशियन उठ के बोले गए हम आपको सुन रहे थे इतना अच्छा लगा हमने गलती करना ही भूल गया मैंने कहा इसका मतलब आप लोग जानबूझ के गलती करते बोले कभी कभी करना पड़ता है पैसा बढ़े ताकि टाइम ज्यादा बढ़ जाए भैरवी
प्यारे बिना।